अपनी बाइबल खोल के आगे आ जाएं। सारे बोल हालेलुया। बहुत सारी बातें हमने देखी और बहुत सारी परमेश्वर ने हमारे लिए आज तक की है। पिछले दिनों में हम लोग काफी प्रार्थना में लगे रहे और परमेश्वर निरंतर हमारी प्रार्थना को सुनता रहा। मैं धन्यवाद करता हूँ, हर बार बार इस बात के लिए करता हूँ कि जितने लोगों ने पिछले हफ्ते में परमेश्वर का वचन सुना है, आज तक 32,000 लोग एक हफ्ते में, हम 32,000 लोगों तक परमेश्वर का वचन पर ताली बजा के धन्यवाद करें। 32,000 लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना है, परमेश्वर की आवाज को सुना है और उनमें बहुत सारे लोग चले हुए हैं। धन्यवाद करें। बीमार थे वो चले हुए। मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि मैं बता सकूं, पर 32,000 लोगों ने पूरी दुनिया में, उससे पिछले हफ्ते में 74,000 लोगों ने पूरी दुनिया में 42 वचन को सुन रहे हैं और आपके द्वार भेज रहे हैं। घुमा होली सीट है, यह होली सीट को देख रहे हैं, यह होली सीट पूरी दुनिया में ताली लगा रहे हैं। दुनिया के लिए रास्ता बन गया, ताली बजा के हरा दिया है। इस गंदी महामारी को, बीमारी को अभी यीशु के नाम से हमने जीता है और उसके किए कामों को हमने देखा। इन तमाम बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, पर वो तब जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनते हैं और उसको मानते हैं। निकालेंगे 37वां इस गेल की पुस्तक और उसका 37वां अध्याय, इस गेल की पुस्तक और उसका 37वां अध्याय और उसके चंद वचन हम देखेंगे क्या लिखा है। और लिखा है 25, 26, 27, 28 में क्या लिखा है। इस गेल की पुस्तक और उसका 37वां अध्याय और उसकी 25, 26, 27 लिखा है, मैं तुम पर शुद्ध जल को छिड़कूंगा। अरे बोल हाल पढ़िए मनोहर भाई, क्या लिखा है। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, पकड़ो, और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। हालेलुया। मैं तुम पर क्या करूंगा, शुद्ध जल छिड़कूंगा। हालेलुया। ये मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन। सारे बोलो हालेलुया। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। सुन लिया आपने, हालेलुया। ये जल है और ये परमेश्वर के दास के हाथ में है और ये शुद्ध हो गया है। जब हम प्रार्थना करेंगे, हम यीशु मसीह के नाम से इस जल को पवित्र कर, ये पवित्र होगा। सारे बोल हालेलुया। जब बंदा बीमार हो जाता है आखिरी टाइम होता है तो कई बार पता क्या कहते हैं, मुड़ दो बस रबी करूंगा तो पानी मुझे पा। और ये वही जल है जो यीशु ने कहा, मैं जीवन की ज्योति हूं, मैं जीवन का जल हूं, जो मुझ में से पिएगा वो कभी भी गासा नहीं होगा। हालेलुया। मैं तुझ में क्या करूंगा, शुद्ध मन, शुद्ध जल छिड़कूंगा। आगे क्या लिखा है, और तुम शुद्ध हो जाओगे। और तुम क्या हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे। हालेलुया। धन्यवाद करोगे, तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम क्या हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे। आज हमें परमेश्वर शुद्ध करना चाहता है, आज परमेश्वर हमें बीमारी से आजाद करना चाहता है और सबसे बड़ी बात है वो पवित्र करना चाहता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु ने हमें जीवन दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार कर दिया है, हमने मुक्ति पाई है, हमने उसके अनुग्रह को देखा है। पर पाने के बाद भी, मुक्ति पाने के बाद भी, उसकी दया होने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी, प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता मानने के बाद भी हम फिर भी गलती करते रहते। तो फिर परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुझ पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। सारे बोलो हालेलुया। सब लोग तैयार है ना, मैं आपके ऊपर जल फेंक रहा हूँ। ये यीशु मसीह के नाम से मैं इसका पवित्र लहू बनाता हूँ और यीशु के नाम से, ये मैं कोई क्रिया नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है, जादू टोना नहीं है, तो भूल ना जाना इस बात के लिए।
पर ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज तक अपने लोगों पर करता रहा है। हालेलुया, ये परमेश्वर का पवित्र जल है जो वचन के अनुसार मैं कह रहा हूँ, मैं तुझ पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। हालेलुया, शुद्ध जल शुद्ध हो जाओगे, तुम क्या हो जाओगे? शुद्ध हो जाओगे, जोर से शुद्ध हो जाओगे। तुम क्या हो जाओगे? शुद्ध हो जाओगे। तुम क्या हो जाओगे? शुद्ध हो जाओगे। तुम क्या हो जाओगे? शुद्ध हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, छिड़कूंगा। गुस्से की आत्मा, ये सारी आत्मा से परमेश्वर में आजाद कर, ताली बजा के धन्यवाद करेंगे। वो नया मन देगा। अब यहाँ लिखा है परमेश्वर की दया के अनुसार, परमेश्वर आज हमें मांस का हृदय देना चाहता है। मांस का हृदय, पत्थर का हृदय नहीं, खलील हृदय, प्यार का हृदय, मोहब्बत का हृदय, दया का, रहम का, आनंद का, खुशी का देना चाहता है, ताकि हम एक दूसरे पर दया करें। आमीन। परमेश्वर की व्यवस्था में ऐसा लिखा, वचन इस बात को कहता है, परमेश्वर का वचन अपने समान अपने पड़ोसी से क्या कर, प्रेम कर। अपने समान अपने पड़ोसी से क्या कर, प्रेम कर। अपने समान अपने पड़ोसी से क्या कर, प्रेम कर। हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञा, ये है परमेश्वर की शिक्षा। नफरत नहीं है, जलस नहीं है, क्रोध नहीं है, गुस्सा नहीं है, अपने दया। अरे हम पवित्र लोग हैं, परमेश्वर के लोग हो। किसने कहा आप दुनिया में ऐसे हो? गलत दिनाक्रम ने बात कहा, क्रिश्चियनिटी इज नॉट ऑर्डिनरी थिंग्स, मसीहत एक आम चीज नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, सुपर शक्ति मसीहत है। जो आप यहाँ बैठे हो, आपसे उम्मीद करती है दुनिया, आपसे उम्मीद क्या है हमारे भारत देश ने, कि मसीह लोग हर कहा लोगों ने हमें आओ आप सिर्फ प्रार्थना करो। हमारे देश के लीडरों ने कहा आप सिर्फ एक ही बात रहेंगे, प्रार्थना करो, दुआ करो, और हमारे लोगों ने दुआ करी। अकेले में नहीं, आपने नहीं, पूरे हिंदुस्तान ने दुआ करी, और परमेश्वर के लोग, और उन्होंने प्रार्थना करी, और आज परमेश्वर ने हमारे मुंह में से ये जाड़ा उतार दिया। और धन्यवाद करते रहने वाले दिनों में एक भी बीमार हमारे पंजाब में नहीं रहेगा, हमारे देश में। मैंने एक ही प्रार्थना करी है पूरे साथ में, घबराओ मत, चिंता मत करो। और सबसे पहले हमने अपना दरवाजा खोला है, क्योंकि ये मेरा दरवाजा नहीं, यीशु का दरवाजा था। अगर मैं अपना खोलूंगा तो तब खुलेगा। तो ये बंद करके मैं कहता कि घबराओ मत, मैं अंदर होता
तो परमेश्वर मेरी ना सुनता। परमेश्वर का वचन एक बात कहता है, परमेश्वर का दास था उन कहता है, अगर मैं मन में पाप सोचता तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को ना सुनता। हालेलुया, मैं पाप सोचे जाऊं बैठे जाऊं, मैनू की है, मैनू की है, मैं की लड़ा नहीं। हमें जब लोगों ने देखा ये लोग जो है परमेश्वर के, वो कौन से लोग हैं ये जो लोग गली में बैठ करके हमारे लिए प्रार्थना करें। सारे बोल हालेलुया। बसों में टाटा लगा लोकेरिया से अवली तरफ, और एक बहुत पास्टर्स लोग वहां इतने बड़े बड़े पास्टर लोग आए थे, और मुझे नहीं मालूम था कि परमेश्वर मेरे साथ क्या करेगा। जब उन्होंने मुझे वहां देखा, वो मुझे देख रही है पास्टर जी, वही है जो गली में खड़ा दिखाई देता है। सारे बोल हालेलुया। और वो फुट उठ के मेरे पास आने लगे, पास्टर जी हमने आपको देखा। कहां देखा? आपको गली में देखा। सारे ताली जाए। मेरा दिल खुशी से भर गया। मेरे पास कोई बड़ा चर्च नहीं है, पर मेरे पास एक चर्च है जो यीशु का चर्च है। हालेलुया। क्या यीशु बसता है? हालेलुया। क्या प्रभु यीशु रहता है? हालेलुया। क्या प्रभु बसता है? हालेलुया। आपके दिलों में प्रभु बसता है? हालेलुया। हमने नहीं किसी से कहा हमें 100 रुपए दे जाओ, हमने नहीं कहा 500 दे जाओ, हमने नहीं कहा 5000 की। लोग कहते 500 की दुआ, 1000 की दुआ। अरे दुआ तो दुआ है, दुआ मोहब्बत की है, दुआ प्यार की है। अरे तुम एक बार हाथ उठा के कह दो मेरा बेटा बेटी बेटी यीशु तेरे साथ। हालेलुया। धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर हमें प्यार करता। हालेलुया। परमेश्वर आपको प्यार करता। हालेलुया। आमीन बोल दो। आमीन। परमेश्वर आपको प्यार करता। हालेलुया। परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता। हालेलुया। परमेश्वर आपके दिलों को जानता। परमेश्वर आपको जानता है। हालेलुया। आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ वाली जगह देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। तो मुझे बोलो क्या परमेश्वर आपके साथ है? बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ है। God be with you। परमेश्वर आपके साथ है। पर हमेशा आपके साथ रहेगा। हालेलुया। तेरे रखवाली करेगा। नीति वचन 23 के 20 में कहता वो अपने दूतों को भेज कर मार के तेरी हिफाजत करेगा। लोगों ने मुझे वहां देखा ये पास्टर तो इसको तो गली में 6 मिनट देख रहे हैं। वो हमें कहता है पास्टर जी जरा मेरे पास आ जाओ, बहुत सारे लगा सेल्फी खेच लो। वो मेरी क्या सेल्फी खेचना, आ जाओ भाई मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरा परमेश्वर महान है। वो कहते जी हम तो चर्च बाद में लगाते हैं, पहले आपकी गली को देखते हैं, पहले आपके लोगों को देखते हैं, और आपके लोगों को देख कर हमें बल मिलता है। हालेलुया। मैं तुझ पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। दोबारा पढ़ दो मनोहर भाई। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। चंगा होना चाहते हो? बोला हालेलुया। शुद्ध होना चाहते हो? हालेलुया। तो क्या कहा? मैं तो तुझ पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। शुद्ध हो जाओगे। हालेलुया। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूरतों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा और सारी अशुद्धता से दूर कर दूंगा, सारी कमजोरी से दूर कर दूंगा, संसार की तमाम बुराई चुगली झूठ तूफान इधर उधर की गल्ला इधर उधर की बातें, ये छोटा है वो बड़ा है, वो बड़ा चर्च है मैं छोटा चर्च हूँ। हम तो चर्च है ही नहीं है, हम तो परमेश्वर के मंदिर है। कहीं बता दो मुझे यहाँ चर्च लिखा लिखा है? तुम तो परमेश्वर का एक मंदिर, हम तो एक परमेश्वर की हैकर, उसे खराब कर रहे या अच्छा रख ले ये हम पर निर्भर करता है। और जब तक मैं जीऊंगा तब तक मैं ये काम करता रहूंगा, अपने लोगों तक ये बताता रहूंगा कि तुम चर्च नहीं हो बल्कि परमेश्वर का मंदिर। यू आर द टेंपल ऑफ गॉड। बाइबल ऐसा कहती है। चर्च में तो बहुत कुछ बना,
आज दुनिया में आज जरूरत है चर्च को शुद्ध करने की, आज जरूरत है अशुद्धता से शुद्धता में आने की, बुराई से अच्छाई की तरफ आने, चाहे वो चर्च है, चाहे वो प्रचार है, चाहे कोई भी, आज हमें पवित्र बनने की जरूरत है, पवित्रता में आने की जरूरत है, पवित्र बनने की जरूरत है, आज चर्च को बदलने की जरूरत है। हमने इसको एक बदला है और इसको होली स्पिरिट चर्च बनाया है और ये होली स्पिरिट की कलीसिया है। मैं दुआ करता हूँ ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए और आपके घरों में बरकत आती जाए, आपके घर प्रार्थना का घर बन जाए। आमीन। आज मैंने दो जवान बच्चों को देखा है, गा रहे थे, मेरा दिल खुश हो गया। हालेलुया। उनके माँ बाप को मैं मुबारक कहता हूँ, अपने बच्चों को आगे लगाओ ताकि वो आराधक बन सके, आराधना कर सके। पास्टर के बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, अपने बच्चों को भी तैयार करो, अपने बच्चों को आराधना करने के तैयार। ये छोटा सा 5 वर्ष का मार्क है जिसे दुनिया देखती है, अगर उसे देखती कोई सब दुआ नहीं करती उसके लिए, उसे दुआ भी देती। हालेलुया। तुम दोनों मुबारक। आज मैं देख कर तुम्हारे जीवन की, चाहे तू करोड़ दौलत कमा जाए, करोड़ों हो जाए, वो नाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, पर इनके दिए हुए परमेश्वर की आशीष और इनके दिए हुए परमेश्वर के संस्कार सदा तक याद। आराधना करने वाले, वचन पढ़ने वाले, वचन बोलने वाले, ताकि हजारों हजारों आयतें याद रखें। बाइबल में ऐसा लिखा, बाइबल से खोलने के जब ठा ठा ठा, ये तभी होगा जब मैं तुम्हें नया पत्थर से हृदय में मास करूंगा। तुम्हारे जीवन में आज एक बदलाव ले, सॉरी तुम्हें शुद्ध करूं, मैं तुम्हें पवित्र। हमारा परमेश्वर आज आपको शुद्ध करना चाहता है, हमारा परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, हमारा परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहता है। जितने में यहाँ पर ललकार ललकार कर कहता रहा, हमने कोरोना को हराना, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना। हमारे पंजाब में दोबारा बहाल आ जाए, पंजाब खुशहाल हो जाए, वो दुकानें फिर खा जाए जहाँ पानी पूरी खाते थे। आमीन। आमीन। वो दुकान खुल जाए, वो मॉल खुल जाए, वो हॉल खुल जाए, वो सब कुछ खुल जाए ताकि पंजाब में दोबारा बहार आ जाए। हालेलुया। इतने लोग खाते थे पीते थे, अब सब बंद हो गया। कहते घर का बना खाओ, घर का अच्छी बात है, मैं खाऊंगा, पर बाकी तो खाएंगे ना, क्योंकि वो रोटी कहां से खाएंगे। सारे बोले हालेलुया। व्यापार शुरू हो जाए, काम शुरू हो जाए, धंधे शुरू हो जाए, लोग इंडस्ट्री शुरू हो जाए, फैक्ट्रियां शुरू हो जाए। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं दुआ कराने के लिए, मैं उनको कहता हूं नहीं, मैंने अभी 2 संडे पहले क्या कहा था, तैयार हो जाओ 10 गुना बरकत को लेने के लिए। सारे बोला भूलने वालों हैं, वो भी उठाते दूसरा बताओ। एक ऐसा चर्च है होना चाहिए जो फटाक फटाक खड़े हो जाए। यही याद रखो, मैं जानता हूँ, मेरा परमेश्वर कहता है, मैं जो कल्पनाएं तेरे विषय में करता हूँ मैं जानता हूँ। चाहे वो बच्चों में आशीष हो, चाहे बच्चों को मेडिकल कॉलेज में जाना हो, चाहे बच्चे को कनाडा जाना हो, चाहे कोई घर बनाना हो, वो कल्पनाएं हैं, वो परमेश्वर तुम्हारी जानता है। हालेलुया। वो जानता है। धन्य हमारा परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारा धन्य हमारा परमेश्वर आंख खुलने से पहले तुझे मना दे देता है। धन्य हमारा परमेश्वर तेरी आंख खुलने से पहले वो लिख के तुझे रोस्टर बनाकर देता है। आज का रोस्टर ये है, आज तू ये खाएगा और तुझे शैतान से बचाएगा। धन्य हमारा परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारा हो चुका था। तू कार में जा रहा है, घर में बैठा है, सफर में है, चाहे जहाज में जा रहा, तेरा परमेश्वर तेरी अगुवाई करेगा। आज का वचन यही है, हमारा परमेश्वर हमें शुद्ध करना चाहता है। जितने भी लोग यहाँ आए हैं शुद्ध मन से, पवित्र मन से, एक मन से, आज मैं देख रहा था कई जवान मेरे पास सुबह आए हैं और सेवा कर रहे थे, मैं बड़े बहुत खुश हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। आओ हम मिल करके इस सेवकाई में
इस काम में, ये मेरा नहीं है। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये हमारी पूरी गली की मोहल्ले की एक संगति है। धन्यवाद। मैंने कभी ये नहीं कहा मैं यहाँ का मुखिया हूँ, यहाँ का पास्टर हूँ, मेरा हुक्म चलेगा, जो मैं कहूंगा वो होगा, जो मैं ही कहूंगा वो होगा। मैं नहीं, जो आप कहेंगे वो भी होगा। सारे बोल हालेलुया। हमने आनंद मनाया, खाते रहे, पीते रहे और आगे फिर तैयार हो जाओ। अभी तैयारी करेंगे, फिर क्रिसमस आ रहा, नवंबर आ रहा है। धन्यवाद परमेश्वर का, आप लोग आ रहे हो आज हमारे बीच में। जुनी नाम क्या तेरा? जूनो जी। उसके बच्चे सनी, सनी उसके बच्चे, उसके वाइफ और बहुत सारे हमारे पुराने लोग, हमारे बहन, आप सब लोग आए हैं। हम सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको आशीष करे। मेरे पूरे गली के बाकी जो इधर उधर बैठे हैं वो भी नीचे आए, सब लोग आए। सारे बोले हालेलुया। तभी आए हुए जब यहाँ बक्सा रखा हो, वो बड़ा चंगा बंदा था, चला गया। ऐसा नहीं है, जमीन पर रहते हुए जिंदगी में हिस्सा रखो। हमारे लिए अपनी हमारे लिए क्या करा? हमारे लिए उसने अपनी जान दी। हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारे पाप मिटाए जाए और उसने हमें नई जिंदगी दी। आज प्रभु आपको यही चाहता है, नया शुद्ध मन और आपके अंदर एक मांस का हृदय। आमीन। अब उसमें लिखी मोहब्बत, उसमें लिखा प्यार, उसमें लिखा दर्द, ताकि हम एक दूसरे की मोहब्बत को समझ सके, एक दूसरे को हम दुख उसकी सहायता कर सके, उसकी मदद कर सके। हमारा परमेश्वर आपसे प्यार करता है, प्रभु आपसे प्यार करता है। हाला ताली बजाकर धन्यवाद करता है। हालेलुया, हालेलुया। बोल सकते कलीसिया एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आप सबका, ताकि इसी तरह अपने घर जाने के बाद लगातार प्रार्थना में बढ़ते रहो, गीत भजन गाते रहो, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो और उसकी महिमा करते रहो। मेरे को एक वचन याद है, बार 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 एक वचन निकालेंगे, दूसरा क्रंथियों मैं समाप्त करेगा, दूसरा क्रंथियों उसका दूसरा अध्याय निकालेंगे, जल्दी पढ़ा पढ़ा, दूसरा क्रंथियों दूसरा अध्याय जल्दी निकाल लेंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। दूसरा क्रंथियों दूसरा अध्याय और ये कहेंगे मैं समाप्त करूंगा। आमीन, हालेलुया। निकालेंगे 10 और 11 में क्या लिखा है, ना बेटा ना, दूसरा क्रंथियों पहला अध्याय 10 और 11। उसी ने हमें मृत्यु के, हाँ एक मिनट मुझे चल बोलने का, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया, हाँ, और बचाएगा, हाँ, और उस पर हमारी ये आशा है कि मैं आगे तुम भी बचाता रहेगा। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करें, चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उसी ने हमें, हाँ, मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया कि दरवाजे के बाहर कोरोना खड़ा था। ऐसा लगता है दरवाजा खुलेगा तो कोरोना बाहर है, पर क्या लिखा वचन में, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया, हाँ? और बचाएगा और उस पर हमारी, हाँ? यह आशा है, हाँ? कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे। बचाएगा और बचाता रहेगा। ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे। उसी ने हमें बड़े संकट से बचाया, बचाया, बचाएगा और बचाता रहेगा, और बचाता रहेगा। एक बार सारे बोलेंगे, बचाया, 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 बचाएगा, बचाएगा, बचाता रहेगा। और तुझी बोली जाओ, मैं ना साडा काम नहीं, बचाना बचा साडा काम नहीं है, तुझी बोली जाओ।
बचाया, बचाया। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। बचाया, बचाया, बचाएगा, बचाएगा, बचाया, बचाया, बचाएगा, बचाएगा, और बचाता रहेगा, और बचाता रहेगा, बचाता रहेगा, और बचाता रहेगा। हालेलुया। कैसे बचाया? बड़े संकट में। पौलुस कहता है, जब मैं मृत्यु से भी हार मान चुका था, तब मैंने ये सोचा अब नहीं, अब तो मृत्यु का हाथ हमारे ऊपर आ गया। अब ऐसा लग रहा था यार बाहर गए तो पता नहीं किसी के हाथ लग गया तो पट ये बना पॉजिटिव। पर यीशु का धन्यवाद, हालेलुया। मैं लात मार मार के कहता रहा यीशु मसीह हमें बचाए। हालेलुया। परमेश्वर के जानने वालों, परमेश्वर का भय मानने वालों, परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर है। कोई भी भयंकर बीमारी का अधिकार आप पे नहीं है। यीशु ने कहा है मेरा अधिकार तुम्हारे ऊपर है। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। सब लोग खड़े हो जाएंगे, धन्यवाद के साथ एक गीत गाएंगे और गीत के बीच में अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग, अपना दान लेकर आएंगे। प्रभु